जय हिंद दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर से जंग छिड़ चुकी है और बात है 7 अक्टूबर की। दोस्तों 7 अक्टूबर के सुबह 6 बजे जब इजराइल के लोग नींद से भी नहीं उठे थे तभी एयर रेड सायरन बजता है। दोस्तों ये सायरन तभी बजता है जब किसी देश पर हमला होता है या फिर कोई देश संकट में होता है। इसके बाद सायरन बजने के कुछ समय बाद ही अचानक इजराइल के ऊपर हजारों की संख्या में रॉकेट से हमला होता है। दोस्तों ये हमला फिलिस्तीन के हमास ग्रुप के द्वारा किया जाता है जिसमें इजरायली डिफेंस सिस्टम ये कहता है कि इजराइल के ऊपर हमास द्वारा 2200 रॉकेट से हमला किया गया है। लेकिन वहीं हमास ग्रुप ये कहता है कि उसने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागे हैं। दोस्तों जो हमास ग्रुप है वो केवल रॉकेट से ही इजराइल के ऊपर हमला नहीं कर रहा बल्कि चारों तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है और चारों तरफ से हमला भी कर रहा है। यहाँ तक कि हमास के लोग इजराइल के बॉर्डर को तोड़कर भी घुस रहे हैं, समुद्र के रास्ते से भी इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है और जो हमास ग्रुप के लोग हैं वो पैराशूट से भी इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि हमास ने इजराइल के ऊपर 2000 रॉकेट दागे या फिर 5000, और सवाल ये भी नहीं है कि हमास ग्रुप के लोग किस तरह से इजराइल में घुस रहे हैं। मेन सवाल ये है कि आखिर हमास जो है इजराइल के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। दोस्तों वैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का जो मामला है वो बहुत दिनों से चलता आ रहा है लेकिन इस समय जो जंग हो रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो वजह अमेरिका और सऊदी अरब से संबंधित है। दोस्तों अमेरिका सऊदी अरब के साथ एक रक्षा संधि यानी डिफेंस पैक्ट करने वाला है और उस रक्षा संधि में अमेरिका की शर्त यह है कि अमेरिका जो है सऊदी अरब को सारी सुरक्षाएं प्रदान करेगा और उसके दुश्मन देशों से उसकी बॉर्डर की रक्षा करवाएगा, लेकिन बदले में सऊदी अरब को जो फिलिस्तीन को लेकर मांग है उसके लिए पीछे हटना पड़ेगा। यानी सऊदी अरब अगर फिलिस्तीन का पक्ष छोड़ देता है तो अमेरिका उसके सारे रक्षा सिस्टम को जो है संभालेगा। दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह है कि फिलिस्तीन जो है इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। दोस्तों अभी ये रक्षा संधि पूरी नहीं हुई है, इससे पहले ही फिलिस्तीन के हमास ग्रुप ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। वैसे इस युद्ध के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपके हिसाब से इजराइल सही है या फिर फिलिस्तीन ये भी जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।